Hello everybody, I hope आप सब होंगे। मैं आपकी मैम। जो आपको कराता है किंडर, क्लास, हर क्लास, हर की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हाँ आपने सही सुना मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो हमारी क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी यूनिट नंबर एट दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और इस यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर कवर कर रहा है जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूं इस चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर राइट का नाम तो आपने सुना होगा राइट right? फर्टिलाइजर क्या होता है जिसको हम यूज करते हैं खेत में वो केमिकल जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे पेस्टिसाइड्स के जैसे जिसको यूज कर रहे हैं हम राइट right? अब यहाँ पर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर का मतलब ये क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर रहे हैं न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को एनरिच कर रहे हैं सॉइल के अंदर प्लांट के अंदर उन्हें हमने क्या कहा बायो फर्टिलाइजर राइट तो जल्दी फटाफट बेटा सारे के सारे बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे लगाना है अटेंडेंस वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों भाई बहनों और पड़ोसियों को जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके राइट तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो देखिए क्या है बायो फर्टिलाइजर राइट तो मैं बायो फर्टिलाइजर की बात करूं किसकी बात करूं बायो फर्टिलाइजर्स की तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायो फर्टिलाइजर्स क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच एनरिच जो कि क्या कर रहे हैं बताइए एनरिच कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स विच एनरिच द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्सेट्रा मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये सोयल की क्वालिटी को एनरिच कर रहे हैं कैसे उसमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ाकर राइट right? अब देखिए बैक्टीरिया फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी इसे और क्या कहते हैं हम ब्लू ग्रीन एलगी राइट तो साइनो बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड कौन हो जाएगा आपकी फंजी राइट फंगस फंगाई ये जो तीनों है राइट right? ये क्या है आर द मेन सोर्स ऑफ वायोफर्टिलाइजर्स राइट तो बायो फर्टिलाइजर्स के मेन सोर्स कौन है फंगी और कौन है बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया राइट तो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ राइट चलिए तो अब हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर्स राइट चलिए तो बैक्टीरिया जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ बायो फर्टिलाइजर राइट तो बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर कैसे मैम बैक्टीरिया कैसे बायो फर्टिलाइजर के जैसे एक्ट कर रहा है तो देखिए राइजोवियम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा जब मैंने किंगडम मोनेरा पढ़ाया था आपको राइट right? तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है राइट right? क्या करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ लेग्यूम्स प्लांट्स सुने आपने लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं पल्सिस जो दाल होती है ना उनके जो प्लांट है उनके साथ क्या करते हैं ये सिम्बायोटिक है. रूट के नॉड्यूल्स right? तो में रहते हैं ये कहा रहते हैं रूट नॉड्यूल्स किसके रूट नोड्यूल्स में जल्दी बताइए लेग्यूम्स प्लांट के किसके लेग्यूम्स प्लांट्स मतलब दाल के रूट नॉड्यूल्स में राइट right? एंड फिक्सिस और क्या करते हैं फिक्स करते हैं एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या करते हैं जो एटमोसफियरिक नाइट्रोजन होती है जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसे रूट में फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट क्लियर है या नहीं लैग हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना होगा राइट right? तो लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है जल्दी बताइए लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है चलिए एजोस्पायरेम एंड एजो एजोटोबैक्टर आर फ्री लिविंग ये क्या है फ्री लिविंग बैक्टीरिया है विच एब्जॉर्व फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल ये जो है कौन एजोस्पायरेम एंड एजोटोबैक्टर ये क्या है फ्री लिविंग बैक्टीरिया है और ये क्या करते हैं बेटा फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से सॉइल से एयर से एंड कन्वर्ट इट और इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट करते हैं किसमें सॉल्ट में किसके सॉल्ट नाइट्रोजन के सॉल्ट किसके सॉल्ट नाइट्रोजन के सॉल्ट एंड एनरिच सॉइल न्यूट्रेंट और क्या करते हैं का को एनरिच करते हैं राइट तो जल्दी बिना किसी देरी के किस स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपने स्क्रीन शॉट ले लिया तो देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट समझाती हूँ पहले सिम का मतलब क्या होता है राइट सिम बायोटिक सिम एसोसिएशन तो देखिए सिम्बायोटिक का मतलब है यहां पर बायोटिक का मतलब है लिविंग राइट बायोटिक का मतलब है लिविंग राइट right? तो यहां पर दो लोग जो है एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेनिफिशियल uh, मैं बात करूं इंपैक्ट डाल रहे है एक दूसरे पे उसे हम क्या बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है म्यूचुअलिज्म राइट सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है यहां पर म्यूचुअलिज्म राइट म्यूचुअलिज्म राइट म्यूचुअलिज्म क्या हो गया बेटा म्यूचुअलिज्म क्या हो गया जल्दी बताइए म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया जैसे कि सिंपल सी बात है क्या है जैसे कि आपने किसी को एक चीज दी और उसने बदले में आपको एक दूसरी चीज दी तो ये क्या हो गया आपने उसकी हेल्प करी उसने आपकी हेल्प करी तो यहाँ पर दो लोग जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं एक को दूसरे से फायदा हो रहा है दूसरे को पहले से फायदा हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइट तो राइजोबियम जो होता है बेटा ये क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या म्यूचुअल पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं राइट right? याद रखना सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते क्योंकि इनका जो लाइफ है वो एक दूसरे के बिना नहीं चल पाती ये वो पक्के जीवंस साथी है जो कि जन्मों-जन्मों का क्या बंधन बांध कर आए हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते राइट right, क्लियर है तो राइजोबियम जो है वो क्या है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और ये कहां पर रहता है जल्दी बताइए जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स के वहां पर रहता है क्या करता है ये ये जो नाइट्रोजन होती है एटमोस्फियर नाइट्रोजन होती है जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और किसको देता है रूट्स को है ना लेग्यूम प्लांट्स जो है उनकी रूट्स को प्रोवाइड करता है अब लेग्यूम प्लांट की रूट को इसने नाइट्रोजन दे दिया और आपको पता है नाइट्रोजन एक प्लांट के लिए बहुत जरूरी है बदले में जो प्लांट है लेग्यूम प्लांट है वो इस नाइट्रो इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को या राइजोबियम को कैसे मदद करता है कैसे हेल्प करता है तो ये क्या कर रहा है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है रूट जो है इस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर और क्या करता है और ये क्या करेगा और उसको जो फूड है प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करेगा तो ये फूड जो है वो उसको किसको दे देगा राइजोबियम बैक्टीरिया को राइट right? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया जो है राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहा है फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द प्लांट राइट वहीं पर प्लांट क्या कर रहा है प्लांट क्या कर रहा है बेटा लेग्यूम प्लांट Provide food and shelter, food and shelter to the bacteria. Right? तो यहाँ पर बैक्टीरिया किसका मदद कर रहा है जल्दी बताइए राइजोबियम जो है वो कैसे मदद कर रहा है लेग्यूम प्लांट की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और प्लांट कैसे राइजोबियम की मदद कर रहा है प्लांट उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है राइट तो ये क्या हो गया सिम एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म ये क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पर आपको ये जो है ये क्या है रूट नोड्यूल है ये क्या है रूट नोड्यूल है राइट right? यहाँ पर क्या रहता है राइ राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रहता है और क्या कराता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है क्या कराता है नाइट्रोजन फिक्सेशन राइट right? इतना क्लियर हुआ या नहीं अब देखिए एजोस्पाइरम एंड एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये नॉर्मली फ्रीली कहाँ रहते हैं जल्दी बताइए सॉइल में रहते हैं इनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत नहीं है राइट right? ये ऐसा नहीं है इनका जन्मो जन्मांतर का साथ नहीं है जैसे कि राइजोबियम और रूट नोड्यूल का है लेग्यूम प्लांट का है लेग्यूम की रूट का है ऐसा इनका एसोसिएशन नहीं है ये फ्रीली किस में रह रहे हैं बताइए सॉइल में राइट right? और क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल से एयर से नाइट्रोजन को और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन सॉल्ट में जिससे सॉइल की जो आ, मैं बात करूं न्यूट्रिएंट है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या हो रहा है एनरिच हो रहे हैं क्लियर है बेटा तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीन ले लीजिए राइट right? जल्दी से इसका स्क्रीन लीजिए क्या आपने इसका स्क्रीन ले लिया बताइए चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अब देखिए फंगी जो है फंजी जो है वो कैसे एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करती है या एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है उसका देखते हैं तो देखिए फंगी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पर भी क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जन्मो जन्मांतर का साथ मैंने ये कहाँ पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था आपको माइकोराइजा माइकोराइजा क्या होता है जल्दी बताइए एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ हायर प्लांट्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स उसे हमने क्या कहा था माइकोराइजा राइट right? ये किस स्पीसी से बिलोंग करता है ग्लोमस से किससे ग्लोमस से राइट right? तो देखिए फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट कॉल्ड माइक्रोराइजर एग्जाम्पल ग्लोमस राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताइए तो यहां पर देखिए इस हायर प्लांट से माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं हुआ यहां पर क्या हुआ एसोसिएशन हुआ है क्लियर है या नहीं तो देखिए ये एसोसिएशन कुछ हेल्प करता है क्या क्या काम है इस माइक्रोराइजल एसोसिएशन का राइट तो माइक्रोराइजर क्या है जल्दी बताइए माइकोराइजा क्या है तो माइकोराइजा जो है ये क्या है सिम्बायोटिक बायोटेक सिम बायोटिक एसोसिएशन ऑफ़ फंगी With roots of higher plants. इसे हम क्या कहते हैं जल्दी बताइए माइकोराइजा राइट क्लियर है पक्का समझ में आ गया माइकोराइजा दो प्रकार के होते हैं माइकोराइजा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक होता है एक्टो एक होता है एक्टोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा क्या होता है एंडो माइक्रो राइजा राइट एक्टोमाइकोराइजर क्या करता है बेटा एक्टोमाइकोराइजा में इसमें जो फंगस होती है वो रूट्स को पेनिट्रेट नहीं करती यहाँ पर क्या होता है जो फंगस होती है वो रूट को पेनिट्रेट नहीं करती वो ऊपर से क्या होता है उसको सराउंड कर लेती रूट को जो है उस ऊपर से सराउंड कर लेती है राइट तो यहां पर एक्टोमाइकोराइजा कैसा है मैं दिखाती हूँ आपको जैसे कि बेटा ये क्या है रूट ये क्या है रूट राइट तो यहां पर इस तरीके का ये क्या कर लेती है नेट बना लेती है इस तरीके से क्या हो जाती है इसे हम कहते हैं हरटेक नेट इसे हम क्या कहते हैं हरटेक नेट राइट right? तो यहाँ पर ये फंगस ने क्या नहीं किया बताइए यहाँ पर रूट को पेनिट्रेट नहीं किया रूट को कवर करके और क्या करा रही है जल्दी बताइए यहाँ पर मेनली ये क्या कराती है फॉस्फेट का एब्जॉर्बन कराती है है ना फॉस्फोरस का एब्जॉर्बन कराती है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट किसके फॉर्म में फॉस्फेट के फॉर्म में राइट right? तो यहाँ पर ये क्या कर रही है इस रूट को पहले तो क्या प्रोवाइड कर रही है जल्दी बताइए फॉस्फोरस प्रोवाइड कर रही है रूट इसे क्या दे रही है रूट इसे दे रही है शेल्टर एंड फूड क्या दे रही है शेल्टर एंड फूड राइट वहीं पर मैं बात करूं किसकी एंडो माइकोराइजा की तो एंडो माइकोराइजा में क्या होता है ये जो फंगस है जो माइकोराइजा का फंगल पार्ट है वो क्या करता है इस रूट के इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में जाके रहता है कहां पर रहता है इस रूट के इंटरसेल्युलर स्पेस के बीच में जाकर रहता है इससे हम क्या कहेंगे जल्दी बताइए हॉस्टोरिया क्या कहेंगे हॉस्टोरिया राइट चलिए देख लेते हैं पहले चलिए तो यहां पर अब मैं बात करने वाली हूं किसकी एंडो माइकोराइजा की किसकी बात कर रही हूं एंडो माइकोराइजा की तो एंडो माइकोराइजा क्या है जैसे कि बेटा ये एक सेल है राइट ये दूसरा सेल है राइट ये दूसरा सेल है तो वो कहां रहता है यहां रहेगा यहां पर रहेगा राइट यहां पर क्या है वो प्रेजेंट है ठीक है यहां पर क्या है वो प्रेजेंट है रूट के अंदर जाके है तो इसे हम कहेंगे हॉस्टोरिया इसे हम क्या कहेंगे हॉस्टोरिया ठीक है इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम किस तरीके से दिखा सकते हैं इसको इस तरीके से जैसे कि ये क्या है सेल है ये क्या है सेल है ठीक है तो ये सेल के अंदर क्या कर जाता है पेनिट्रेट कर जाता है ये क्या करता है सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है इस तरीके से राइट तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताइए इसे हम कहेंगे हॉस्टोरिया क्लियर है जल्दी बताइए तो ये क्या बनाता है हर्टिक नेट और वो क्या बनाता है हॉस्टोरिया अब यहाँ पर हमने देख लिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका रूट का और फंजाई का राइट तो अब यहाँ पर काम क्या है रूट का और फंजाई का काम क्या है तो देखिए फंगी जो है क्या बेटा फंगी जो होती है क्या करती है प्रोवाइड प्रोवाइड बोल दू मैं फॉस्फोरस या फंजाए एब्जॉर्व फॉस्फोरस फॉर द्लांट एंड वहीं पर प्लांट क्या करता है जो प्लांट है प्रोवाइड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर ठीक है तो यहां पर क्या कर रहा है जल्दी बताइए समझ में आ गया तो एंडोमाइकोराइजा क्या होता है एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है समझ में आ गया तो देखिए यहां पर लिखा है द फंगल हाइफे ये हाइफे ही है द फंगल हाइफे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सल कहां से एंड पासिस इट इन टू द प्लांट और क्या करता है ये फॉस्फोरस जो है उसको पास कर देता है किसको प्लांट को राइट right? तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है बताइए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है चलिए आगे देखिए माइकोराइजा शो द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द प्लांट माइकोराइजा जो है वो क्या शो करता है बेनिफिट शो करता है किसको प्लांट्स को कैसे बेनिफिट शो करता है देखिए ये क्या करता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको रूट वॉन पैथोजेंस को राइट right? तो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है कौन माइकोराइजा? कैसे उसको रजिस्टेंट प्रोवाइड करता है जो आ, ऐसे मतलब पैथोजन होते हैं जो कि रूट को इन्फेक्ट करते हैं या रूट से न्यूट्रिशन लेते हैं या रूट को क्या डिजीज़ कॉज करते हैं रूट के थ्रू उनसे रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है कौन माइकोराइजा राइट right? और ये क्या करता है टॉलरेंस टू द सेलिनिटी एंड ड्राउट ये क्या प्रोवाइड करता है टॉलरेंस किसके लिए सेलिनिटी एंड ड्राउट कंडीशन के लिए ओवरऑल इंक्रीज इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या करती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है इंक्रीज करता है राइट right? तो ये क्या हो गया बेनिफिट किसके माइकोराइजा राइजा के राइट right, बेटा तो बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट इसका स्क्रीन ले लीजिए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है अब देखिए आप बात करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया एज़ अ फर्टिलाइजर राइट तो साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आपको पता है क्या है ब्लू ग्रीन एलगी है क्या है ब्लू ग्रीन एलगी नॉस्टॉक का नाम आपने सुना होगा Enavina का नाम सुना होगा ऑसिलिटेरिया का नाम सुना होगा तो so, ये क्या है साइनोबैक्टीरिया है राइट तो देखिए ये क्या करते हैं ये फिक्स करते हैं एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन एंड इनक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल थ्रू दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया भी क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं राइट साइनोबैक्टीरिया जो है अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के वजह से क्या कर रहे हैं सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज कर रहे हैं राइट अब देखिए एग्जाम्पल है साइनो का नो स्टॉक एन ऑसिलिटोरिया राइट तो ये क्या है बताइए ये है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी क्या आपने हेट्रोसिस्ट के नाम सुनाई होगा हेट्रोसिस्ट जो था मैंने आपको बनवाया था एक डायग्राम इस तरीके का एक डायग्राम था आपके एनसीआर में राइट है या नहीं नॉन तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये क्या है जल्दी बताइए हेट्रोसिस्ट और यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है क्या होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजेज एंजाइम राइट ये क्या है हेट्रोसिस्ट है ये क्या है हेट्रो सिस्ट है ठीक है और यहाँ पर क्या होता है सिर्फ एक ही प्रकार की क्या चलती है जल्दी बताइए कौन सी रिएक्शन चलती है सिर्फ लाइट रिएक्शन का कौन सा पार्ट होता है साइक्लिक फोटो क्या होता है यहां पर साइक्लिक राइलेन राइट क्या होता है यहां पर साइक्लिक फोटो राइट और मैं क्या बोलूंगी बेटा यहां पर क्या होता है जल्दी बताइए यहां पर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों हो रहा है नॉन साइक्लिक क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर सिर्फ पी एस वन फोटो सिस्टम प्रजेंट होता है ठीक है यहाँ पर क्या होता है सिर्फ पी एस वन फोटो सिस्टम प्रजेंट होता है मैम ऐसा क्यों मैम ऐसा क्यों सिर्फ पी एस वन फोटो सिस्टम ही क्यों प्रेजेंट होता है क्योंकि बेटा पी एस वन फोटो सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है जल्दी बताइए वो प्रेजेंट होता है स्टोमा लेमिले पर राइट right? और यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती मतलब ऑक्सीजन नहीं बनता किसमें बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इवॉल्व होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली पी एच वन मतलब फोटो सिस्टम वन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन राइट तो यहां पर क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नो ओटू इवॉल्व यहां पर क्या नहीं होती यहां पर क्या नहीं इवॉल्व होती नो ओ टू इवॉल्व राइट और क्या पॉइंट है इस हाइड्रोसिस्ट के यहां पर क्या होता है यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इस पॉइंट पर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां पर क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजेनिस एंजाइम विथ द हेल्प ऑफ नाइट्रोजेनिस एंजाइम राइट तो होता क्या है बेटा देखिए यहां पर नाइट्रोजेनिस एंजाइम किसका फिक्सेशन कराता नाइट्रोजन का यहाँ पर देखिए हम इसे एज अ वायो फर्टिलाइज़र यूज़ क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है अब यहाँ पर हेड्रोसिस्ट में किसका फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसकी मदद से नाइट्रोजेस एंजाइम की मदद से बट ये नाइट्रोजेस एंजाइम जो है ये सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाता और साइनोबैक्टीरिया की क्या है फितरत है क्या करना फोटोसिंथेसिस तो करना अब फोटोसिंथेसिस तो में दो प्रकार की रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन में आपने है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने पढ़ा होगा इलेवंथ क्लास में कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है ऑक्सीजन क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग होती है वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन के लिए तो ये सेंसिटिव है ठीक है तो सिर्फ यहाँ पर इस जगह पर हेट्रोसिस्ट वाले जगह पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है पी एस वन फोटो सिस्टम जो कि क्या कराता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसमें ओटू इवॉल्व नहीं होती राइट अच्छा कौन होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन होता है जल्दी बताइए लैग हीमोग्लोबिन। तो रूट्स में जब ऑक्सीजन को कौन फिक्स नाइट्रोजन को कौन फिक्स कराता है नाइट्रोजनज एंजाइम तो वहां पर प्रेजेंट होता है लैग हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है ऑक्सीजन को क्या कर लेता है चुरा लेता है स्कैवेंज कर लेता है स्कैवेंजर का नाम है वहां पर के वो किसके तक नाइट्रोजनेज एंजाइम तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता क्योंकि एंजाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं करता राइट बेटा तो यहां पर देखिए ब्लू ग्रीन इंक्रीज द एल्गीज फर्टिलिटी बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल राइट तो यहां पर ब्लू ग्रीन एलगी मतलब साइनो जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट तो देखिए साइनोबैक्टीरिया आर इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स साइनोबैक्टीरिया जो है बेटा क्या है बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर है किसके लिए पैड़ी फील्ड के लिए पैड़ी फील्ड मतलब धान की खेती के लिए किसकी खेती के लिए धान की खेती धान पता ना राइस राइस का प्लांट धान की खेती के लिए राइट यहां पर कौन काम करता है उसके जगह पर मीथेनोजेंस काम करते हैं मीथेनोजन क्या प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस राइट तो पैडी फील्ड में आपको क्या प्रोड्यूस होगी जल्दी बताइए मीथेन गैस विद द हेल्प ऑफ मीथेनोजन एंजाइम। यहां पर कौन होते हैं मीथेनोजन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं किसको मीथेन गैस को किसको प्रोड्यूस मीथेन गैस राइट right? मतलब CH4 तो धान की फील्ड में पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये वहाँ पर क्या कर देते हैं जल्दी बताइए इंक्रीज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को राइट right, बेटा तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया जल्दी बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं राइट right? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है ये एडवांटेजेस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स के क्या एडवांटेजेस है तो देखिए ये इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलिटी को सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं राइट right? और क्या करते हैं रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ये हमारी जो किसान है उसकी डिपेंडेंसी को कम करते हैं किस पर डिपेंडेंसी मैम बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो जो किसान है उसकी डिपेंडेंसी जो है केमिकल फर्टिलाइजर पे जो थी पहले उसको रिड्यूस कर देते हैं राइट right, बेटा तो जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए हाँ फर्टिलाइजर का यूज़ क्यों करते थे न्यूट्रिएंट को एनरिच करने के लिए राइट right? सॉइल में न्यूट्रिएंट को एनरिच करने के लिए बट इससे सॉयल भी पॉल्यूट हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहे थे अदर एनिमल्स और राइट बट बायो फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हमारा एनवायरमेंट भी सेफ होगा और हमारी स्पीसीज भी सेफ होगी राइट तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हूँ और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी जल्दी फटाफट पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेलाइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज वेल well एज़ लाइव सेशन अटेंड कर सके इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा इस पेज में किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्पेशली इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्ले लिस्ट अवेलेबल होने वाली है जैसे कि साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम राइट इस कंप्लीट कोर्स की प्ले लिस्ट में आपको हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट के अंदर पूरे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन थ्योरी पूरी एन सी आर टी की विथ एडवांस थ्योरी एनसीआर टी सोल्यूशन एम सी क्यूज एम आई क्यूज़ वन शॉर्ट रिविजन क्विक रिविजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए ना कि सिर्फ थ्योरी पार्ट बट आपका जो क्वेश्चन पार्ट है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे राइट इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर दैट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट माइगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड व्हाट्सएप आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं मैग्नेट बीन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ उससे पहले जान लीजिए कि मैगनेट बेन्स के दो चैनल हैं हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिलेंगे बात आती है हिंदी मीडियम चैनल की तो हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास सिक्स टू ट्वेल्व क्लास तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल है वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्व के सारे कोर्सेज अवेलेबल है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो वो कोर्सेज रहे सी बोर्ड उसके साथ ही हमारे एम पी बोर्ड स्टेट बोर्ड जो है हमारे जैसे कि दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड राजस्थान बोर्ड इन सब स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हम कराते हैं इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ हंड्रेड परसेंट फ्री में कराता है जी हाँ आपने सही सुना और मैंने यही कहा मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय